नमस्कार दोस्तों, शिनचैन तेरे को पता है क्या आज हम क्या करने जा रहे हैं? हाँ फ्रैंकलिन भैया, मुझे पता है कि आज हम बाबू भैया की गाड़ी चुराने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बाबू भैया की निंजा H2R बाइक चुराने वाले हैं, क्योंकि हमने आज तक बहुत सारी कारें चुरा रखी है पर हमने आज तक एक भी बाइक नहीं चुराई। तो आज हम खतरनाक सी बाइक चुराएंगे। फ्रैंकलिन भैया, यार मैं कब से रेडी हूँ, आप कब रेडी होंगे? यार गाइस देखो ना, शिनचैन कितना स्वार्थी है, उसकी पसंदीदा बाइक आज हम चुराने वाले हैं, तो देखो ये कितना जल्दी आवर के तैयार हुआ। और जब इसको स्कूल में जाना होता है, नाटक करके बिस्तर में पड़ा रहता है। अरे फ्रैंकलिन भैया, वो बाइक बहुत ओपी है। हाँ हाँ पता है मेरे को कि वो बाइक बहुत ज्यादा भागती है, हद से ज्यादा, कहीं वो लेके हम एक्सीडेंट ना कर बैठे। पर यार बाबू भैया की गाड़ी चुराना इतना तो इजी काम नहीं है जितना हमको लग रहा है। हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। तो चलो दोस्तों, मैंने चोरी करने के दृष्टिकोण से सही आउटफिट पहन लिया है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि चोरी फ्रैंकलिन ने करी है, क्योंकि हमारा भी बहुत बड़ा नाम होने वाला है कुछ दिनों में सिटी में। आपको याद होगा कि हम इलेक्शन में खड़े होने वाले थे, बस थोड़े दिन रुको, थोड़ा सा पैसा आने दो, हम एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन जाएंगे। इसलिए हमारा चेहरा हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये बंदा पहले चोर था। हाँ फ्रैंकलिन भैया, प्लीज मेरे को हमर चलाने दो ना। अरे शिनचैन तू बोटा ढेरे एक नंबर का, हमें गाड़ी बहुत तेज तेज चलानी है, समझ रहा है ना तू? उधर जाने के बाद मैं तुझे दे दूंगा, फिर तू हमर लेके घर आना और मैं निंजा लेके घर आऊंगा। और अगर कुछ दिक्कत हो भी गई, हमें ऑफ रोडिंग करने की जरूरत पड़ी, तो हमारी निंजा को हम पीछे लोड कर देंगे और डोंगर डोंगर से ये 6x6 हमर इजीली निकाल देंगे और हम सक्सेसफुली एस्केप हो पाएंगे। पर यार वो बाइक तो पहले हमें लानी पड़ेगी ना, उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पर जल्दी जल्दी चलो उसके लिए, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि बाबू भैया अपनी बाइक लेके कहीं पे निकल जाए, फिर तो उस बाइक को पकड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भागती है, शायद हमारे हमर से भी ज्यादा भागती है वो तेज। तो गाइस हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं बाबू भैया के घर के, मतलब यहाँ से एक टर्न लेना है बस। अरे गाइस देखो ना, ये बंदे की वजह से हम इस पार आ गए रोड के, और इतनी ऊंचाई पर तो हमारी हमर नहीं चढ़ पाएगी यार। एक काम करते हैं, यहाँ से ऑफ रोडिंग करते करते डायरेक्टली आगे निकलेंगे डामरी रोड पे, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे 6x6 होने की वजह से कहीं से भी गाड़ी इजीली निकल सकती है, मजा आता ना भाई। देखो वो बंदा भी गिर जाता, चलो फटाफट से चलते है, बहुत टाइम पास नहीं कर सकते। अरे ये 6x6 के चक्कर में मैं फिर से गिर गया। ओ भाई साहब, अभी कैसे निकलूं इतनी ऊंचाई पर? यहाँ पे वैसे हम सीधा भी चढ़ सकते हैं, पर इतना टाइम नहीं है हमारे पास, उसके लिए बहुत स्ट्रेटेजी लगा के चढ़ना पड़ेगा, रैप वॉक भी वॉक करना पड़ेगा। इसलिए एक काम करते हैं, आगे से चलते, यहाँ से सब पटरोड़े, फिर आगे जो डामरी रोड है उस पे जाके मिलेंगे, ठीक है? लेट्स गो गाइस। देखो सामने जो आप ये घर देख पा रहे हो ना, यही है बाबू भैया का घर, और यही पे उनकी निंजा H2R खड़ी है। सीधा हम घर में नहीं घुस सकते ना, क्योंकि उनको पता चलेगा सीसीटीवी कैमरास देख के कि घर में चोर आ चुका है, और वो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। इसलिए हम यहाँ पे पहाड़ पे चलते है और जरा देख लेते हैं यहाँ से कुछ दिखता है क्या, सिक्योरिटी वगैरह है क्या उनके घर को, जरा देख लेते हैं। यहाँ पे कोई दिख तो नहीं रहा, छत के ऊपर तो कोई नहीं है, यहाँ पे आगे सामने की तरफ भी कोई नहीं है। यार इतना बड़ा घर है उनका, बाहर क्यों घूमेंगे लोग, लोग तो अंदर होंगे ना। कोई भी नहीं दिख रहा गाइस, सिक्योरिटी भी नहीं है, लगता है कि आज इनके सिक्योरिटी को छुट्टी है। शिनचैन तू एक काम कर, यही पे रुक, तू मत आ, तूने मास्क नहीं लगाया। हाँ फ्रैंकलिन भैया, मेरे को भी बैठना था H2R पे। यार तू दिमाग में जरा पागल है क्या शिनचैन, तेरे को कुछ अक्कल है क्या? तेरे को अगर किसी ने देखा तो हम कितने बड़े मैटर में फंस सकते हैं, तूने मास्क नहीं लगाया, और वहाँ से हम H2R चोरी करेंगे, और यहाँ पर हमर क्या अकेली को छोड़ के जाएंगे क्या? हमारी हमर यहाँ से कोई भी चुरा सकता है, ऐसा नहीं कर सकते हम बच्चा। गाइस ये मान ही नहीं रहा था, जैसे तैसे करके मैंने इसको भेज दिया है, बोला की गाड़ी में जाके बैठ, तू वहाँ पे गाने सुन नहीं तो कार्टून देख। डोके की बन बन मिट गई, अभी हम चोरी करने के लिए जरा सा स्ट्रेटेजी आते, कोई स्ट्रेटेजी की गरज नहीं है वैसे। एक काम करते हैं, वहाँ पे नजदीक जाके देख लेते हैं कि घर पे कौन कौन है, जरा अंदाज लेते हैं, घर से आवाज लेते हैं कि कौन कौन है अंदर। ऑल राइट गाइज, मैं बाबू भैया के घर के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका हूँ, और यहाँ से दबके पावलों से चलते है। यार गेट खुला है क्या? गेट भी बंद है, यहाँ से उड़ी मार के हम जा सकते हैं ना, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास है क्या? नहीं सीसीटीवी कैमरास तो नहीं दिख रहे। यहाँ पे उनकी पार्किंग है सामने, यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि पार्किंग में कौन सी कार खड़ी है या फिर निंजा बाइक खड़ी है क्या। ओ पार्किंग तो बंद है, इन्होंने लॉक लगा रखा है इसको, कोई भी नहीं खोल सकता।
अच्छा ठीक है, हमारे नसीब में होगी तो बाइक हमें मिल जाएगी आज, नहीं तो जैसे पावलो से हम यहाँ पर आए वैसे ही पावलो से घर पे निकल जाएंगे, नहीं तो हमें पार्किंग की चाबियाँ ढूंढ के वो पार्किंग खोल के वहाँ से गाड़ी लेनी पड़ेगी, पर गाड़ी तो हम आज लेके ही जाएंगे। चलो गाइस धीरे धीरे से आगे चलते, मेरे को यहाँ से ना गिटार की आवाज आ रही है, कौन गिटार बजा रहा है देख लेते जरा। ओ ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये लोग का क्या चल रहा है, ये लोग तो पार्टी कर रहे हैं इधर, और देखो बाबू भैया कैसे फ्लेक्स कर रहे हैं लड़कियों के सामने, वाह क्या मजा कर रहे हैं ये लोग। शायद उन्होंने कोई नई कार या फिर बाइक खरीद ली होगी, हमको तो बस वो निंजा S2R बाइक चाहिए, कारें तो हमारे पास पहले से बहुत ज्यादा है। और देख सकते हो दोस्तों आप, यहाँ पर खड़ी है निंजा S2R, आई कांट बिलीव दिस, इतना ओपन एरिया पे खड़ी है, मस्त ना मेरी जान। अभी हमको बाइक चुराने में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, पर यार ये लोग तो बाइक के नजदीकी पार्टी कर रहे हैं, इनके लिए क्या करा जाए, कुछ तो स्ट्रेटेजी आखनी पड़ेगी क्या मेरे को। पहले यहाँ से रोड देख लेता हूँ कि बाइक ले जाने के लिए यहाँ से रोड है कि नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पर बाइक लगाई है, मतलब यहाँ से उसे बाहर निकालने के लिए कोई तो रास्ता होगा ही ना। यस गाइस देखो यहाँ से हम बाइक ले जा सकते है, ये स्टेयर्स पर तो इजिली चढ़ जाती है क्योंकि इसका इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल है, कड़क ना एकदम पद छिर कार्यक्रम कर सकते बार का हम। ओके दोस्तों मेरे दिमाग में अभी एक शैतानी आइडिया आ चुका है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास है ना कुछ ग्रेनेड्स है, वो ग्रेनेड्स डाल के इनको मार देते हैं। पर यार ये तो अच्छी बात नहीं है ना, किसी की बाइक चुराने के लिए सीधा उनको मार देना। एक काम करते हैं, मेरे पास और स्मोक ग्रेनेड भी है, और ऐसे वैसे स्मोक ग्रेनेड नहीं है जिससे सिर्फ धुआं होता है, ऐसे वाले नहीं है, और वो वाले स्मोक्स डालने पर ये लोग को समझेगा ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको एनेस्थेसिया चढ़ जाएगा, वो लोग सीधा सो जाएंगे, और जब उठेंगे तो देखेंगे कि ये क्या हुआ हमारे साथ, और इस प्रकार हम बाबू भैया की गाड़ी सक्सेसफुली चुरा सकते हैं। ओके तो ग्रेनेड्स डाल दिए हमने, ऑल राइट गाइस देखो ये लोग को ना चक्कर आना स्टार्ट हो चुका है, हमारा प्लान सक्सेसफुल अभी हो जाएगा, तो चलिए जल्दी से यहाँ से बाबू भैया की बाइक लेते हैं क्योंकि ये तो हमारी हुई आज से। यार गाइस बहुत बड़ा मैटर हो चुका है क्योंकि बाबू भैया ने उनको चक्कर आने से पहले ही तुरंत पुलिस को कॉल करके बता दिया कि मेरी गाड़ी इस बंदे ने चुराई है और पुलिस आ रही है मेरे को ढूंढने, अभी बहुत बड़ा मैटर हो सकता है, अगर पुलिस ने मेरे को पकड़ा मेरे सारे के सारे कांड उगड़ हो जाएंगे कि मैंने इतनी सारी कारें भी चुरा रखी है और अभी बाइक भी चुराई है। यार यहाँ पर गेट से भी हम नहीं जा सकते ना, एक काम करते हैं रिटर्न चलते हैं, कैसे रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। ऑलराइट गाइस यहाँ से हम उड़ी मार के जा सकते हैं, बस हमारी बाइक कहीं पे गिरनी नहीं चाहिए, नहीं तो अगर चोट लगी ना तो फ्रैंकलिन बाइक भी नहीं चला पाएगा। गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो मैं इस बाइक को फुल स्पीड पे भगा रहा हूँ फिर भी पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, जैसा ही मैं रोड से जा रहा हूँ पुलिस अपनी गाड़ी ऐसे बीच में ला रही है ताकि मेरे को उड़ा सके। यार मेरे को बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलानी होगी, नहीं तो अगर कहीं पे टकरा गया तो सीधा ढग में जाऊंगा क्योंकि ये गाड़ी बहुत स्पीड में भाग रही है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और अभी भी मैंने इस बाइक की फुल स्पीड नहीं करी है क्योंकि अगर मैंने फुल स्पीड कर दी तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितनी ज्यादा भाग सकती है। और गाइज इतनी ज्यादा स्पीड पे हम इस रोड पे इस बाइक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गाड़ियां और पुलिस की गाड़ियां हमारे पीछे आ रही है, और देख सकते हो दोस्तों पुलिस ने भी हमारा पीछा छोड़ दिया है, कब तक भागेंगे मेरे पीछे, मैंने उनको बहुत दूर लेके गया था। ओए माउंटेन लायन मेरे को खाने आ रहे, अरे तेरे को पता है कि मैंने चिलखत पहना है, वेस्ट पहना है मैंने Level 3 का, तू मेरे को कुछ नहीं कर पाएगा, अभी तेरे को बताता है मैं, रुक इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाऊंगा अभी देखो आप किधर गए, ए भाग के नल्ले, देखो गाइस कितना फट्टू है ये, मेरे से डर के चला गया। और यार ये शिनचैन कहाँ चला गया, अभी तो यही पर ही था, कहीं माउंटेन लायन ने उसे खा तो नहीं लिया। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं तो यही पर ही हूँ, मैंने तो देखा भी नहीं किसी माउंटेन लायन को। थैंक गॉड शिनचैन, मेरा अभी दिल निकल के हाथ में आया था। फ्रैंकलिन भैया मैं भी आऊंगा आपके साथ। हाँ एक काम कर, तू हमर लेके चल और मैं ये निंजा लेके चलता हूँ, दोनों रेस लगाएंगे ठीक है। ओके डन। दोस्तों मैं इस बाइक को फुल स्पीड पर तभी भगाऊंगा जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे, कोई पैसे नहीं लगते लाइक करने के लिए, कर दो, और लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद साइड में जो घंटा है उसे भी बजा दिया करो, भगवान जी प्रसन्न होते है। तो चलो अभी अपनी बाइक को फुल स्पीड पर भगाते है। With their nails done now.
We'll be right back.